हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल्स या त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, कितने त्रिभुज हैं, इनको डिस्कस करते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओपन ट्राइंगल्स। ओपन मीन्स केवल ट्राइंगल बना हो, किसी बॉक्स वगैरह के अंदर ना हो। एक एक खूब ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें सब समझ में आएंगी। फर्स्ट देखें, जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ये ले लिए और बीच में एक लाइन खींच दिया हमने, और आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, गिनती गिनेंगे। एक ये वाला हो गया, एक ये दूसरा हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया। कुल कितने हो गए? तीन हो गए। और बड़ा होता जाएगा तो काउंटिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे होगा, जितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उतने लिख लीजिए। जैसे एक ये दिख रहा है वन, एक यहाँ दिख रहा है टू, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। बस लिखने के बाद क्या करिए, इन्हीं दोनों को ऐड कर लिया करिए। तो वन प्लस टू कितना आ गया, थ्री। तो कुल कितने हो गए, तीन। तीन त्रिभुज इसमें हो गए, अभी हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपका। और देख लें, सेकेंड पॉइंट देखें, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए फिर से काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना आ गया, सिक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये सब, क्लियर हो रहा है ना आपको? देखिए ये वाला वन यहाँ पे लिया, ये वाला टू यहाँ, ये वाला वन यहाँ, ये वाला टू यहाँ, ये वाला थ्री यहाँ। बस इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, चलिए और बड़ा कर लेते हैं। एक ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इसमें ये लाइन हो गई, ये हो गई, एक ये हो गई, ये दे दिया हमने। अब इसमें आपसे पूछा गया त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वन टू थ्री फोर, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना आ गया, टेन आ गया। ये आपका आंसर हो गया। कैसे आया ये भी क्लियर होगा, ये वाला वन यहाँ लिखा, ये वाला टू यहाँ, ये वाला थ्री यहाँ, ये वाला फोर यहाँ, तो सारे ऐड कर लिए, कितना आ गया, दस त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसी में देखिए कुछ और बड़े पूछ लेता है। जैसे देखें, ये है त्रिभुज अपना, कर क्या रहे हैं मेनली, खूब ध्यान से देखिए, इसी वाले को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इस वाले को अगला कॉम्प्लेक्स करने फिगर बनाएंगे, और यहाँ से अगला वाला बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखें, इसको क्या किया हमने, यहाँ से एक लाइन और खींच दिया, फिर आपसे पूछा तो कितने ट्राइंगल हैं। क्या करेंगे, सब कुछ यही करेंगे पहले, फिर उसके जितने पार्ट में ट्राइंगल आपका बटा होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ कितने पार्ट में बट गया, दो भाग में बट गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये वाला हो गया, दो भाग में बट गया, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लाइन जितने सेक्शन में बांट रही होगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो गए, देखिए पुराने वाले में क्या हुआ था, वन प्लस टू, अगर ये लाइन हटा दें तो ये क्या था, वो यहाँ पर वन था, यहाँ पर टू था, तो वन प्लस टू हो गया था। अब हमने क्या कहा, जितने सेक्शन हो रहे हैं, कितने सेक्शन हो रहे हैं, एक ये वाला हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, दो हो रहे हैं, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आ गया आपका, सिक्स आ गया। ठीक है, छः ट्राइंगल हो गए। और देख लीजिए, इसको ले लेते हैं, ये दो लाइन इसमें है, इसको चलिए एक लाइन खींचते हैं, एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इतने हो गए। अब ये दोनों लाइनें कितने सेक्शन में कुल बांट दी त्रिभुज को, तीन लाइन में, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से। ठीक है, यहाँ दो सेक्शन में बटा था भाई, तो इस वजह से एक ये वाला पोर्शन था, एक ये वाला था, इसलिए दो से मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे कितने से बट रहा है, तीन में बट रहा है, तो इसमें कितने से करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहले यही वाला काम करेंगे, इस वाले के हिसाब से देखिए क्या हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो ये सिक्स हो जाता। ठीक है, ये वन टू थ्री आपका था, ट्राइंगल हो गया आपका वन प्लस टू प्लस थ्री, सिक्स हो गया। इनटू कितने सेक्शन बट रहा है, तीन में, एक दो तीन, तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये कितना आ गया आपका 18, ये 18 त्रिभुज बनेंगे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लें, इससे एक बनाया जाए। पहले ये ट्रायंगल खींच लिया हम लोगों ने, बीच में तीन लाइनें, ये तीन रेखाएं हो गई, और इसको भी चलिए एक लाइन यहाँ एक लाइन और, ये दो भाग कर देते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4। तो बिना लाइन के अगर देखते हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होती तो क्या होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 10 आ जाता। लेकिन इन टू, इन टू कितने से करेंगे, यहाँ देखिए कितने सेक्शन बट रहा है, पुराना वाला ही है, एक ये एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए 3, तो इन टू क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो ये 10 गुणे 3 30 हो गया, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आपको। अभी देखिए हम लोगों ने काफ़ी आसान आसान ले रखे हैं ट्राइंगल्स में निकालने में, इसी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा जटिल संरचनाएं दी जाती हैं उसमें पूछते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। और स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पूछा जाता है, उनको धीरे धीरे आगे देखते हैं कैसे करेंगे, इसी तरह ट्रिक से सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।